बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। 1960 के दशक में एक ऐसा हीरो था जिसने लगातार करीब दर्जन भर ऐसी फिल्में दी जिन्होंने थिएटर में सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाई। फैंस ने उस एक्टर का नाम ही जुबली कुमार रख दिया। इनका असली नाम था राजेंद्र कुमार। जिम जिम के गीत सावन गाए आए। करियर की 80 फिल्मों में से 35 ऐसी थी जो 25 से 50 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती रही। राजेंद्र कुमार फिल्मों में सफलता की गारंटी माने जाते थे। राजेश खन्ना के आने के पहले हिंदी सिनेमा में राजेंद्र कुमार ही सबसे व्यस्त एक्टर रहे। लेकिन बुलंदी पर पहुंचे सितारे जमीन पर भी आए और अपने आखिरी दिनों में उन्होंने काफी बुरा वक्त भी देखा। अपना पसंदीदा बंगला जिसे लेने के बाद उन्होंने 2 दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दी थी, वो उन्हें राजेश खन्ना को बेचना पड़ा। मधुबन खुशबू देता है। इनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा उथल पुथल से भरी रही। अमीर घर में जन्म लिया, फिर एक हादसे से इनका पूरा परिवार मुफलिसी में आ गया। बड़ी जद्दोजहद से खुद को जुबली कुमार बनाया, फिर जिंदगी की गाड़ी ने पलटी मारी और मौत मुफलिसी से भरी रही। याद न जाए बीते दिनों की। क्या सच में बेटे के कारण बर्बाद हो गए राजेंद्र कुमार? कैसे पिता की दी हुई घड़ी ने बदली थी राजेंद्र कुमार की किस्मत? क्यों पुलिस की नौकरी छोड़ राजेंद्र कुमार पहुंच गए फिल्मों की चकाचौंध में? क्यों इन्हें कहा जाता था सस्ता दिलीप कुमार? क्यों लोग उन्हें पाकिस्तान से भागा हुआ मुसलमान समझने लगे थे? एक ऐसा बंगला जिसे लोग भूतिया कहा करते थे, जहां से अजीब अजीब आवाजें आया करती थी, कैसे इस भूत बंगले ने बदल दी राजेंद्र कुमार की किस्मत? कैसे भूत बंगले के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे राज कपूर? क्या है भारत रत्न बिस्मिल्ला खान से मुलाकात का दिलचस्प किस्सा? कैसे जिस खाट पर राजेंद्र कुमार सोए वह भी हो गई मशहूर? क्यों इन्होंने संघर्ष के दिनों का वादा कामयाबी के दौर में निभाया? कैसे असल जिंदगी में इनकी मोहब्बत के दुश्मन बन गए दिलीप कुमार? क्यों एक्ट्रेस नूतन की मां ने इस शरीफ अभिनेता की थी पुरजोर बेइज्जती? क्या था इनके बर्बादी का असली कारण? किस जिद में दुनिया छोड़ गए राजेंद्र कुमार? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आ मेरी रानी ले जा चल्ला निशानी। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट पंजाब में जन्मे राजेंद्र कुमार के पिता एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे और दादाजी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर। रईस घराने में उनकी जिंदगी मजे में कट रही थी कि भारत पाकिस्तान बंटवारे ने उनके परिवार से सब कुछ छीन लिया। दंगों के बीच कारोबार चौपट हो गया और पूरे परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। परिवार ने दिल्ली में बसना मुनासिब समझा। दिल्ली में राजेंद्र कुमार ने पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर ली, लेकिन एक दिन अचानक उनका मन बदल गया। दिन रात फिल्में देखने वाले राजेंद्र कुमार फिल्मी दुनिया से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर फिल्मों में जाने की ठान ली। हालांकि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए न जेब में रुपये थे न कोई मदद। यही सोचते हुए उनकी नजर उनकी कलाई में बंधी उस कीमती घड़ी पर पड़ी जो उनके पिता ने उन्हें दी थी। राजेंद्र कुमार की वो घड़ी उनका समय बदलने वाली थी। उन्होंने उस घड़ी को 63 रुपये में बेचा, 13 रुपये में बॉम्बे की टिकट खरीदी और 50 रुपये जेब में लिए निकल पड़े। दिल्ली से मुंबई आए राजेंद्र कुमार बॉम्बे गेस्ट हाउस में एक कमरे में ठहरे थे जो कम कीमत पर सोने के लिए खाट देता था। ये वही गेस्ट हाउस था जहां संघर्ष के दिनों में धर्मेंद्र, राजकुमार जैसे स्टार्स भी ठहर चुके थे। जब कुछ सालों बाद राजेंद्र कुमार स्टार बने तो गेस्ट हाउस वालों ने उस खाट को भी फेमस बना दिया। गेस्ट हाउस में जाने वाले लोगों को बताया जाता था कि यही वो खाट है जिस पर राजेंद्र साहब सोते थे। ये सुनते ही लोग 2 गुनी कीमत में उस खाट पर सोने के लिए तैयार हो जाया करते थे। खैर, राजेंद्र कुमार मुंबई पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो हीरो बनने के लिए ठीक नहीं है।
कुछ समय बाद गीतकार राजेंद्र कृष्णन ने उन्हें डायरेक्टर एचएस रवैल के पास 150 रुपए महीना के वेतन पर असिस्टेंट का काम दिलवा दिया। पतंगा, सगाई, पॉकेटमार जैसी कई फिल्मों में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, लेकिन डायरेक्टर एचएस रवैल समझ चुके थे कि उनमें हीरो बनने के गुर हैं। उन्होंने सबसे पहले राजेंद्र कुमार को फिल्म पतंगा में एक छोटा सा रोल दिया। ये देखकर दूसरे डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्मों में छोटे मोटे रोल देने लगे। डायरेक्टर केदार शर्मा ने राजेंद्र कुमार को 1950 की फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ कास्ट किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार के छोटे से रोल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन लोगों में प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल भी शामिल थे। देवेंद्र ने उनके हुनर को परखते हुए उन्हें 1955 की फिल्म वचन से लॉन्च किया। इस फिल्म के लिए उन्हें महज 1500 रुपए फीस दी गई थी। ये फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में रही थी। पहली फिल्म के समय ही कहा गया कि हिंदी सिनेमा के एक नए सितारे का जन्म हुआ है। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार की एक्टिंग से प्रभावित कुछ लोग उन्हें जूनियर दिलीप कुमार तो वहीं कुछ लोग सस्ता दिलीप कुमार भी कहने लगे थे। आगे राजेंद्र कुमार ने मदर इंडिया से देश भर में ऐसी पहचान और कामयाबी हासिल की कि उन्हें कभी पलट कर नहीं देखना पड़ा। 4 दशकों के एक्टिंग करियर में उन्होंने करीब 80 फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में उनकी फिल्में धूल का फूल, घराना, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू, सूरज, झुक गया आसमां, तलाश और गवार जैसी फिल्में इतनी बड़ी हिट थी कि 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ बनी रही। यही कारण था कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार नाम दिया गया था। उनकी 35 फिल्में सिल्वर या गोल्डन जुबली हिट रही। किस्सा उस वक्त का है जब राजेंद्र कुमार हिंदी सिनेमा में नए नए आए थे और उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। उसी समय उनका एक रिश्तेदार उनके पास आया जिसने उनकी मुलाकात अपने दोस्त से करवाई। उस दोस्त ने मुलाकात के दौरान राजेंद्र कुमार से कहा, मेरी एक बेटी है, अगर तुम उसे अपने काबिल समझो तो उससे शादी कर लो। राजेंद्र कुमार ने कहा, देखिए मैं अभी मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या आपकी बेटी मुफलिसी के हालतों में मेरा साथ दे पाएगी? राजेंद्र कुमार की तरफ से रजामंदी मिलने पर उस आदमी ने अपनी बेटी शुक्ला कुमार से उनकी बातचीत करवाई। एक बातचीत के बाद ही दोनों की शादी पक्की करवा दी गई। कुछ समय बाद जब वो अपने दिल्ली स्थित घर लौटे तो देखा कि घर वाले एक दूसरी लड़की पसंद कर चुके हैं। परिवार से सम्मान पूर्वक इनकार करते हुए उन्होंने कह दिया कि वो पहले ही किसी को शादी का वचन दे चुके हैं और वो उसी लड़की से शादी करेंगे। कामयाबी मिलने के बाद परिवार के आशीर्वाद के साथ राजेंद्र कुमार की शुक्ला कुमार से शादी हुई, जो हिंदी सिनेमा के बहल परिवार से ताल्लुक रखती है। वो रमेश बहल और श्याम बहल की बहन है और गोल्डी बहल की आंटी है। इस शादी से उन्हें एक बेटा कुमार गौरव और 2 बेटियां काजल और डिंपल हुई। बात 60 के दशक के शुरुआत की है, जब राजेंद्र कुमार फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन कार्टर रोड से गुजरते हुए उनकी नजर एक खंडहर नुमा बंगले पर पड़ी। उन्हें पहली नजर में ही वो बंगला इतना भा गया कि उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया। कुछ लोगों ने समझाया कि वो भूतिया बंगला खरीदने लायक नहीं है, यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन वो मन बना चुके थे। अब बात पैसों पर आकर अटक गई। उस समय बंगले की कीमत 60,000 रुपये थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बंगला खरीद पाए। इसी बीच अचानक एक दिन उनके घर पर राज कपूर की एंट्री हुई। राज कपूर ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी और एडवांस की रकम भी अदा कर दी। जब उन्हें पता चला कि राजेंद्र कुमार बंगला खरीदना चाहते हैं तो राज कपूर ने उन्हें 2 और फिल्मों के लिए एडवांस दे दिया। उस रकम से राजेंद्र कुमार ने वो भूत बंगला खरीद लिया। उस बंगले में पहुंचने के बाद से ही राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। उस बंगले का नाम उन्होंने अपनी बेटी डिंपल के नाम पर रखा था। वो इसे अपने लिए लकी मानते थे और यहीं से राज कपूर और राजेंद्र कुमार की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। आपको बता दूं कि राज कपूर के निधन के बाद राजेंद्र कुमार ने पार्टियों में जाना बंद कर दिया था। वो कहते थे, जिस पार्टी की शान मेरा दोस्त राज कपूर ना हो वहां मैं नहीं जाना चाहूंगा।
60 के दशक में राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के साथ 1965 की आई मिलन की बेला, 1968 की झुक गया आसमां और 1967 की अमन जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साथ काम करते हुए सायरा बानो राजेंद्र कुमार को पसंद करने लगी। दोनों की नजदीकियां तो बढ़ रही थी, लेकिन सायरा बानो के परिवार को दोनों के रिश्ते से एतराज था। सायरा बानो बचपन से ही दिलीप कुमार की फैन थी, तो सायरा की मां नसीम बानो ने दिलीप कुमार से मदद मांगी, जो कि उनके पड़ोसी थे, और कहा कि वो सायरा को समझाए कि वो शादीशुदा राजेंद्र कुमार से अलग हो जाए। सायरा के परिवार की खातिर जब दिलीप कुमार उन्हें समझाने पहुंचे तो बात पूरी तरह पलट गई। जिद में सायरा ने कह दिया कि अगर मैं राजेंद्र कुमार से अलग हो जाऊं तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे। दिलीप कुमार ने उन्हें समझाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि इस मुलाकात से वो भी सायरा को पसंद कर बैठे थे। इसकी भी एक अलग कहानी है, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से सायरा ने राजेंद्र कुमार से किनारा कर लिया और दिलीप कुमार से शादी कर ली। हालांकि दिलीप कुमार और सायरा बानो में लगभग 22 साल का अंतर था। एक समय था जब राजेंद्र कुमार नूतन को पसंद करते थे। एक बार तो वो नूतन का हाथ मांगने सीधे उनकी मां शोभना समर्थ के पास पहुंच गए। शोभना ने उस समय ना सिर्फ शादी से इनकार किया, बल्कि उनकी खूब बेइज्जती भी की। इसके बाद से ही नूतन और राजेंद्र कुमार ने साथ काम करना छोड़ दिया। ये दुश्मनी सालों बाद सावन कुमार ने खत्म करवाई। 70 के दशक की बात थी जब राजेंद्र कुमार का करियर ढलान पर था। राजेश खन्ना के आते ही उनका स्टारडम फीका पड़ गया था। करियर पर ब्रेक लगने की वजह से उन्होंने अपने घर से निकलना तक छोड़ दिया था। एक दिन सावन कुमार अपनी फिल्म साजन बिना सुहागन का ऑफर लेकर राजेंद्र कुमार के घर पहुंच गए। सावन जानते थे कि अगर फिल्म में नूतन रहेंगी तो इनकार नहीं करेंगे। जब सावन पहुंचे तो राज कपूर साहब पहले ही घर पर मौजूद थे। सावन ने उन्हीं के सामने उन्हें 11,000 रुपए का चेक थमाया और बात पक्की कर ली। ये देखकर राज कपूर ने कहा, मैं तुम्हारी फिल्म का पहला क्लैप देने आऊंगा। सावन कुमार ने जवाब दिया, आप फिल्म का क्लैप देने नहीं बल्कि सिल्वर जुबली अवार्ड देने आइएगा। वाकई साजन बिना सुहागन सिल्वर जुबली रही और राज कपूर ने ही सिल्वर जुबली अवार्ड सावन को दिया। इस फिल्म के जरिए असल जिंदगी में पति पत्नी न बन सके राजेंद्र कुमार और नूतन पर्दे पर पति पत्नी बने। राजेंद्र कुमार जब अपने स्टारडम के शिखर पर थे, उसी दौरान एक फिल्म आई थी, गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने शहनाई वादक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए राजेंद्र कुमार को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्होंने शहनाई तो नहीं सीखी, लेकिन एक्सप्रेशन सीखने पड़े। इस काम के लिए उन्होंने मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां से मदद ली। राजेंद्र कुमार लकड़ी की नकली शहनाई लेकर शीशे के सामने बैठ जाते और रिकॉर्डिंग के दौरान देखकर बिस्मिल्ला खां के एक्सप्रेशन और कंधे गले की हरकत को कॉपी करने की कोशिश करते। फिल्म रिलीज होने के बाद जब राजेंद्र कुमार ने बिस्मिल्ला खां को फिल्म दिखाकर उनसे फीडबैक लिया, तो उन्होंने उनसे कहा, आप फिल्म में कहां थे? मैंने तो फिल्म में सिर्फ खुद को देखा। राजेंद्र कुमार अपने फिल्म में अपने किरदार को जीवंत कर देते थे। जब मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर का किरदार निभाया, तो हर कोई समझने लगा कि ये मुस्लिम है और दिलीप कुमार की तरह ही फिल्मों में आकर अपना नाम बदल लिया है। इसलिए ढेरों चिट्ठी इनके घर आने लगे और साथ ही हर जगह इनसे लोग इनका असली नाम ही पूछा करते। इसका जवाब देते हुए राजेंद्र कुमार बड़ी ही सादगी से प्यारी मुस्कान के साथ कहते, भाई मेरा असली नाम राजेंद्र कुमार तुली है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 60 के दशक में तो एक ऐसा वक्त भी आया था जब इनकी 6 से 7 फिल्में एक ही समय पर सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही थी। साजन बिना सुहागन, कानून, गूंज उठी शहनाई, बिन फेरे हम तेरे, गवार आदि उनकी खास फिल्में थी। 70 का दशक आते आते राजेंद्र कुमार के करियर का बुरा दौर शुरू हुआ। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और नए ऑफर मिलने भी बंद हो गए। आर्थिक तंगी का दौर आना शुरू हुआ तो राजेंद्र कुमार को ना चाहते हुए भी बंगला बेचना पड़ा। जैसे ही राजेश खन्ना को पता चला कि वो सीफेस बंगला बिक रहा है, तो वो तुरंत पैसे लेकर राजेंद्र कुमार के पास पहुंच गए और बंगला खरीद लिया।
जिस दिन वो लकी बंगला बिका उस रात राजेंद्र कुमार रात भर रोते रहे। राजेश खन्ना ने उस बंगले की मरम्मत करवाकर उसे आशीर्वाद नाम दिया। राजेश खन्ना जब उस बंगले में रहने पहुंचे तो उन्होंने बैक टू बैक 15 हिट फिल्में दी थी। यह बंगला राजेश खन्ना को इतना प्यारा था कि उन्होंने जिंदगी के आखिरी कुछ साल यहीं गुजारे। 18 जुलाई 2012 को हुई राजेश खन्ना की मौत के बाद यह बंगला बिजनेसमैन शशि किरण सेट्टी ने 90 करोड़ रुपए में खरीदा था। आज उस जगह 5 मंजिला इमारत है। राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव हमेशा से ही पिता की तरह एक्टर बनना चाहते थे। पढ़ाई पूरी कर जब कुमार गौरव घर लौटे तो खुशी में परिवार ने साथ खाना खाया। खाने की टेबल पर कुमार गौरव ने जो कहा वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। कुमार गौरव बोले, पापा मैं भी आपकी तरह हीरो बनना चाहता हूँ। आपका इंडस्ट्री में बड़ा रुतबा है, बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट है, मेरी मदद करिए और मुझे फिल्मों में काम दिलवा दीजिए। हीरो बनना मेरा सपना भी है और जिद भी। पहले तो परिवार सोच में पड़ गया, फिर राजेंद्र कुमार ने जवाब दिया, ठीक है लेकिन तुम्हें हीरो बनने के लिए स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा। पहला टेस्ट हुआ और कुमार गौरव सही तरह डायलॉग नहीं बोल सके। राजेंद्र कुमार ने यह देखा तो अपने हाथ पीछे खींच लिए। राज कपूर राजेंद्र कुमार के पक्के दोस्त थे, कुमार गौरव ने उन्हीं को असिस्ट करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद एक दिन फिर कुमार गौरव ने चिढ़कर पिता से कहा, मुझे हीरो बनना है। शर्त अब भी वही थी कि पहले स्क्रीन टेस्ट दो। इस बार कुमार गौरव का स्क्रीन टेस्ट आरके स्टूडियो में हुआ जहां राज कपूर भी मौजूद थे। राज कपूर को सामने देखकर कुमार गौरव इतना नर्वस हो गए कि डायलॉग बोलना तो दूर, वो कुछ बोल ही नहीं सके। अब राजेंद्र कुमार की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। सबके सामने चिल्लाते हुए वो बेटे पर फट पड़े। बोले, तुम राज कपूर जैसी शख्सियत के साथ काम करने के बावजूद फिसड्डी ही रह गए, तुम हीरो बनने के लायक ही नहीं हो। राज कपूर ने स्थिति संभाली और कहा कि इसे रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल भेज दो। जब कुमार गौरव एक्टिंग स्कूल से लौटे तो राजेंद्र कुमार ने पहले ही उनके लिए फिल्म लव स्टोरी प्रोड्यूस करने की तैयारी कर रखी थी। लव स्टोरी में राजेंद्र कुमार कुमार गौरव के पिता के रोल में नजर आए थे। 1981 में रिलीज हुई फिल्म लव स्टोरी से कुमार गौरव मशहूर तो हुए, लेकिन कुछ फ्लॉप फिल्मों से वो अपना स्टारडम बरकरार नहीं रख सके। फिल्में मिलनी बंद हो गई और कुमार गौरव परेशान रहने लगे। फिल्म नाम, जिसे राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूस की थी, उसमें भी क्रेडिट कुमार गौरव की जगह संजय दत्त को मिला। अब कुमार गौरव फिर पिता के सामने जिद पर अड़ गए। वो चाहते थे कि पिता उनके लिए फिल्म प्रोड्यूस करे, लेकिन वो पहले ही आर्थिक तंगी में थे और उनका बंगला भी बिक चुका था। घर में तनाव बना रहा और कुमार गौरव जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब पत्नी शुक्ल कुमार ने पति को समझाया कि बेटे की जिद पर एक फिल्म बना दे, तो राजेंद्र कुमार ने 1983 में कुमार गौरव के लिए फिल्म लवर्स बनाई। इसके लिए उन्होंने अपना बंगला गिरवी रखा था। तमाम कोशिशों के बावजूद कुमार गौरव हिंदी सिनेमा में टिक नहीं पाए और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। कुमार गौरव ने सुनील दत्त और नरगिस की बेटी नम्रता दत्त से शादी की थी। फिर आया वो मनहूस दिन, 12 जुलाई 1999 को 72वें जन्मदिन के ठीक 8 दिन पहले राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी 2 साल बेहद दर्दनाक रहे। कभी उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते तो कभी खून की कमी हो जाती थी। आखिरी समय में राजेंद्र कुमार इतना परेशान रहने लगे कि उन्होंने इलाज करवाने और दवाइयां खाने से साफ इनकार कर दिया। 11 जुलाई को बेटे कुमार गौरव के बर्थडे के दिन राजेंद्र कुमार सोने गए और अगले दिन उठे ही नहीं। उन्हें नींद में ही हार्ट अटैक आया था। 1970 में राजेंद्र कुमार जी को भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। सामाजिक कार्यों के लिए राजेंद्र कुमार को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब की हसीन जिंदगी और राज कपूर से उनकी गहरी दोस्ती के और भी कई सारे दिलचस्प किस्से हैं जिसे हम फिर कभी लेकर जरूर आएंगे। राजेंद्र कुमार जी की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।